मोबाइल फ़ोन एडिक्शन, है ये प्रॉब्लम या नहीं है? यस सर, है ना, कमाल की प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हाँ, ये जो मोबाइल फ़ोन है इसमें पूरी की पूरी एक दुनिया है जिसको वर्चुअल वर्ल्ड बोलते हैं, और इस वर्ल्ड में हम खोए पड़े हैं। एक बार इस वर्ल्ड में घुसते हैं, जब अंदर जाते हैं सोच करके कि 5 मिनट के लिए जा रहे हैं, तो घंटे निकल जाते हैं, हमको पता भी नहीं लगता है। जाते हैं मोबाइल पे ये देखने के लिए कि ये मैं पढ़ाई कर रही हूँ, इसका मेरे को ना मीनिंग समझ नहीं आ रहा है इस वर्ड का, चल मीनिंग ढूंढते हैं। और ढूंढते ढूंढते एक दूसरे टैब में हमको नज़र आता है, चल यार फेसबुक पे चेक कर लेती हूँ एक बार कितने लाइक्स आए है ना, और फिर उसके बाद कुछ का कुछ होने लग जाता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, दैट वी नीड टू फिगर आउट। लेकिन ये ऑल्दो इट्स अ गुड आइडिया, ये एग्जाम टाइम में आपको काम आ सकता है, बट डेली रूटीन में काम नहीं आएगा। बिकॉज क्या प्रॉब्लम है कि ये एक्सट्रीम स्टेप हो गया। लाइफ में हमें ये भी समझना है कि हमको एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं उठाने, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए तो कामयाब हो सकते हैं एक्सट्रीम स्टेप्स। जैसे आप डाइटिंग एक दिन के लिए कर सकते हो, 2 दिन के लिए कर सकते हो, जिंदगी भर के लिए नहीं कर सकते, राइट? ऐसे तो ये एक्सट्रीम स्टेप हो गया, हमने मोबाइल फ़ोन अपने माँ बाप को दे दिया। बट एग्जाम टाइम में ये बड़ा कमाल का आइडिया है, आई एग्री। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ बचा लेते हैं, कहीं ना कहीं कोई पुराना मोबाइल होगा उसको निकालेंगे, सिम कार्ड का जुगाड़ करेंगे, मतलब जो शराबी हो दारू कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेगा। तो हमको थोड़ा परमानेंट इसका सोल्यूशन के बारे में सोचना होगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि ये एडिक्शन, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मोबाइल एडिक्शन की, लेकिन इन्हीं फंडों को अगर हमको समझ आ गए तो किसी भी एडिक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। पिछले साल हमने इस पे पूरा प्ले किया था अपना। अच्छा, मोबाइल एडिक्शन के ऊपर? हाँ, मतलब मोबाइल एडिक्शन एक हमारा पार्ट था, पूरा सीन था उसके ऊपर। करके दिखाओ क्या किया था। अकेले कैसे? मैं उस पे कुर्सी बनाता। अच्छा, कुर्सी बना। एक्चुअली वी कैन यूज द अल्टीमेट ऑफ द नोकिया 11 से जो आता था पहले। उसमें तो कोई एडिक्शन नहीं था, जस्ट कॉल इनकमिंग एंड आउटगोइंग। मतलब कि हम स्मार्टफोन यूज ना करें, लेकिन नोकिया 1100 टाइप का कोई मोबाइल फोन यूज करें जिसपे हम बात कर सके, मैसेजेस भेज सके, लेकिन उस पर व्हाट्सएप ना हो, है ना, फेसबुक ना हो, इंटरनेट ना हो, वो सब ना चले। इफ यू आर कंफर्टेबल विद बीइंग डिसकनेक्टेड विद एवरीबॉडी, देन इट्स अ ग्रेट आइडिया इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट। बट फॉर दैट यू नीड टू हैव अ मेडिटेटिव माइंड, कि जहाँ पर आप अकेलेपन को भी इंजॉय कर सको। लोग तो अकेलेपन से डरते हैं, इसीलिए तो ये सोशल मीडिया इतना चल रहा है, अकेले होने से डरते हैं, लगता है ना डर कि मेरे ये दोस्त हैं, अगर इन्होंने मुझे अपने ग्रुप से निकाल दिया तो क्या होगा, हाँ उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा, ये डर ही तो है ना, अकेले होने का डर। तो जहाँ आप नोकिया 1100 पे गए, आप अकेले हो गए। एक एप्लीकेशन ऐसी डेवलप कर लेते हैं जिसमें हमारे फोन पे ऑटोमेटिक एक लॉक लग जाएगी, इतने टाइम तक तो लॉक रहना ही चाहिए, बट जब हमें मेजर कोई प्रॉब्लम आए उस टाइम हम खोल सकें उसे। इट्स अगेन अ गुड आइडिया, बट एप्लीकेशन को ऑन ऑफ कौन करेगा? देखो, इस एप्लीकेशन की जरूरत क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली तो मोबाइल फोन भी है ना, अगर आप चाहो तो उसमें बहुत कुछ ब्लॉक कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशंस या वो गेम्स जो आपको तंग कर रही हैं, राइट, उन सारी एप्लीकेशंस को आप डिलीट कर सकते हो, गेम्स को आप हटा सकते हो, ब्राउजर जो आपका इंटरनेट ब्राउजर है जिसको बार बार आप खोलते हो उसको उठा करके कहीं छुपा सकते हो, अंदर फोल्डर के अंदर डाल सकते हो, राइट, लेकिन अगर करना है तो हम एक्सेस कर ही लेंगे, तो ये भी सोल्यूशन नहीं है। तो आप मोबाइल नहीं देखते हो, जैसे मेरा अभी इवेंट था कल कॉलेज में, तो 3 दिन तक मैं इवेंट में इतना बिजी थी, मुझे नहीं पता था किसके मैसेज आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। कोई काम को बहुत डेडिकेटली अगर तुम कर रहे हो, तुम्हारा अपने आप ही ध्यान नहीं जाता फोन पे। बिल्कुल ठीक बात है, ये मैंने अपने स्टॉप किलिंग टाइम वाले सेशन में भी इसी बात पे इतना जोर दिया है कि ऑलवेज कीप योरसेल्फ बिजी। कि अपने आप को बेटर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ग्रो करने के बहुत सारे तरीके हैं, सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो जब हमारे माइंड में होता है ना, सीखने के लिए बहुत कुछ है और हम कुछ सीख रहे होते हैं, हम बिजी हो जाते हैं, तो जब बिजी हो जाते हैं हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली मोबाइल से हट जाता है। कि अगर आप पेंटिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे मोबाइल कैसे यूज़ करोगे, नहीं कर सकते ना। तो जितनी देर के लिए आप पेंटिंग कर रहे हो उतनी देर के लिए तो मोबाइल फोन गया। सर, एक सॉल्यूशन है मेरे पास, जैसे कि एडिक्शन बन चुका है ये चीज़, तो मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे करता हूँ, मेरे को सबका तो पता नहीं, तो मैं रूटीन सेट करता हूँ अपने डे का कोचिंग से आने के बाद, कि मेरे को 2 से 2.5 घंटे पढ़ना है, ठीक है, और उसके आधे घंटे बाद मेरे को मोबाइल चलाना है, और अगर मैं 2 से 2.5 घंटे नहीं पढ़ाऊँ और आउटपुट नहीं निकला तो मैं मोबाइल नहीं चलाता। अरे वाह, बहुत बढ़िया आइडिया। मतलब इसको आपने लिंक कर दिया, एक इंसेंटिव की तरह बना दिया मोबाइल फोन को, रिवॉर्ड सिस्टम। हाँ, एक रिवॉर्ड सिस्टम हो गया। मतलब कि क्या है कि हम कोई भी काम करते हैं वो किस लिए करते हैं, रिवॉर्ड के लिए या पनिशमेंट के लिए? रिवॉर्ड रिवॉर्ड के लिए।
तो मोबाइल से बढ़िया रिवॉर्ड और क्या होगा, क्योंकि मज़ा तो आता ही है ना, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, एंटरटेनमेंट तो है ही, और पूरा एंटरटेनमेंट है, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है उस छोटे से डब्बे के अंदर, किसके साथ क्या चल रहा है, लोग उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है इसमें नहीं कि मेरे साथ में अंदर क्या चल रहा है, उसके साथ में क्या हो रहा है ना। हाँ, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया कि इसको एक रिवॉर्ड की तरह देखो। जैसे माँ बाप हमको लालच नहीं देते हैं कि अगर तुम्हारे इतने नंबर आए तो बाइक मिलेगी, ये किया तो नया फ़ोन मिलेगा, ये हुआ तो वो होगा, वट एवर, तो उसकी वजह से नंबर आ जाते हैं है ना, किसी ना किसी रिवॉर्ड की वजह से। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिवॉर्ड बैक ऑफ द माइंड होता है, जिस वजह से आदमी कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया कि भाई हम इसको लिंक कर दें किसी ऐसे काम से जो काम करना ज़रूरी है। मोबाइल कोई ज़रूरी नहीं है, मोबाइल तो एक गंदी आदत है अगर इसको सच बोला जाए तो, एक नशे के जैसा है। एडिक्शन का मतलब यही है कि एक ऐसी आदत है जिस आदत का आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, एडिक्शन है, राइट? एडिक्शन की डेफिनेशन ही यही है। फिर मेरी मम्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि भाई आधा घंटा डिसाइडेड है तो भाई कर लिया, पढ़ तो लिया ना इसमें। बढ़िया है, अब वो आधा घंटा रखो आप एक घंटा रखो, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आपने उसकी वजह से दो घंटा पढ़ाई तो कर ली, बहुत है ना, तो बैलेंस बन गया। आइडिया इज टू क्रिएट अ बैलेंस। हम क्या करते हैं लाइफ में, कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने लग जाते हैं कि मोबाइल की वजह से मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मोबाइल को ही छोड़ दूंगी। yes. और फिर कुछ दिन के लिए आप छोड़ते हो, फिर ऐसा जाकर के चिपकते हो उस मोबाइल से, जैसे ही देखते हो चार दिन बाद उस मोबाइल को, ऐसा लगता है कोई बिछड़ा हुआ हमारा वो एकदम से मिल गया, हाँ मेरा मोबाइल आ गया ऐसी ऐसी फीलिंग्स होती है। सर सोशल मीडिया में मैंने एक चीज नोटिस की है कि एफबी वगैरह पे जैसे हम लाइक करते हैं, आज 100 लाइक आए पिक्चर पे, हम भी लाइक कर रहे हैं, 3-4 दिन छोड़ के देखो लाइक मत करो, तुम्हारे पे 50 आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, करने का कराना है जी, करने का कराना है सौदा है सौदा। मैंने कमेंट किया तो उधर से भी कमेंट आया, तुम मुझे खुजा मैं तुझे खुजाऊंगा ये खुजली नहीं है तो और क्या है, ये जो लाइक्स है ये खुजली के जैसा नहीं है तो और क्या है। खुजली आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन मजा आता है खुजाने में, बड़ा मजा आता है। पता है खुजाने की वजह से जख्म पड़ रहे हैं, मतलब जब लाइक नहीं आते हैं तो गुस्सा भी आता है ना, लेकिन क्या करें, वो तड़प ही ऐसी है कि लाइक जितना भी आपका गोल है, हर एक का अपना एक टारगेट सेट हो जाता है माइंड के अंदर कि मेरी पिक्चर्स पे तो इतना मेरा सर्कल है तो 10 लाइक तो आएंगे ही आएंगे, तो अगर 9 है तो वॉट लगनी शुरू हो जाती है, एक और कहाँ से आएगा। सर लोग तो पर्सनली मैसेज भी करते हैं, प्लीज लाइक एंड कमेंट। व्हाट्सएप के ऊपर करेंगे क्योंकि वहां तो नहीं कर सकते, क्योंकि लोग देख लेंगे या फोन करके, अबे लाइक करना क्या हो गया 100 होने वाले हैं मेरे। आप देख रहे हो कि वो चीज जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लास्ट में आती है, उसकी तरफ से ध्यान है ही नहीं। तो अब क्या सोल्यूशन है, एनीबॉडी एल्स, और कोई सोल्यूशन आप में से किसी के पास में? बी सोल्यूशन ओरिएंटेड, दिमाग के अपने पूरे घोड़े खोल दो, अपने आप को ये कहना मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना, बस बोलते रहो अपने आप में, तो सर एक टाइम ये आएगा कि नहीं हमें करना ही नहीं है। ये हो सकता है, लेकिन हमेशा इस बात को भी याद रखो, जितना आप कह रहे हो मुझे नहीं करना है उतना ही आप उसकी तरफ और अट्रैक्ट होते चले जाओगे। ये माइंड की बेसिक साइकी है। एक शराबी अगर जितना बोलेगा ना कि नहीं मुझे नहीं पीना है, 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 उतना ही वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा शराब की तरफ। तो ये सॉल्यूशन भी थोड़ा सा खतरनाक है, मतलब अल्टीमेटली वो नहीं करना है आपको, क्या करना है उसी की याद दिला रहा है। आदत को बदलने के लिए उसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम कोई दूसरी आदत बना लेंगे तो वो आदत धीरे धीरे अपने आप ही मिट जाएगी। ये तरीका होता है माइंड को हैंडल करने का, है ना। एकदम से हम चाहेंगे कि हमको एक आदत पड़ी हुई है, वो आदत कितने सालों में बनी, बहुत सालों में, एकदम से छूट जाए, कैसे छूटेगी भाई। इसीलिए रोज आपका ब्रेकअप होता है और फिर पैचअप हो जाता है तो समझ पा रहे हो ना क्या होता है कि कोई भी आदत हो, कैसी भी, किसी भी इंसान से, किसी भी चीज से, किसी भी तरह की कोई भी आदत हो, वो एकदम से नहीं छूटती है। एक्सट्रीम केसेस में छूट जाती है, अगर कोई मोटिवेशन बहुत ही बड़ा है तो। आप समझ गए ना, जीने मरने का सवाल आ गया कि डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं बेटा अब तो तुमने मीठा खाया तो मर गए समझ गए, तो वो मौत का डर उसको उस मीठे से दूर रख सकता है। बट अगर कोई जीने मरने की सिचुएशन नहीं है, आप एकदम से कहोगे कि नहीं मुझे मोबाइल छोड़ देना है या मोबाइल को यूज़ नहीं करना है, कुछ नहीं होने वाला।
आइदर यू हैव टू कनेक्टेड विद द मोटिवेशन, यानी कि डिजायर. मोबाइल क्या है? डिजायर ही तो है ना मोबाइल को यूज करने का. इससे बड़ा अगर कोई डिजायर होगा तो छोटा डिजायर छूट जाता है. आज आपके पास में बाइक है, मैं आपको कहूँ चलो एक्सचेंज करते हैं, ये मेरी साइकिल है वो ले लो और अपनी बाइक मुझे दे दो, करोगे? छोड़ोगे अपनी बाइक को? किसी हाल में नहीं छोड़ोगे. मैं अगर छीनूंगा तो क्या करोगे? संदीप महेश्वरी कह रहे तेल लेने लगाओ दुकान के नीचे. चला मेरी बाइक को हाथ लगाता है, मेरी बाइक, मेरी प्यारी बाइक, इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाला किसी भी हालत में. तो आप मेरे से भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दोगे. दूसरी तरफ से अगर डील ये हो कि चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर तू जीत गया तो मेरी ये गाड़ी तेरी, ये ले चाबी, और तेरी बाइक मेरी. अब लगाओगे नहीं लगाओगे? कहोगे चलो. क्यों हो रहा है ये? और अपनी बाइक को हंसते हंसते छोड़ोगे या रोते रोते छोड़ोगे? हंसते हंसते. बाइक को छोड़ोगे नहीं, बाइक छूट जाएगी. दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. जैसे ही कोई बड़ा डिजायर आता है तो छोटा डिजायर छूट जाता है. गाड़ी के आगे बाइक छूट जाती है. मतलब I use it when it is required. मैं अपने parents को बहुत ज़्यादा मानती हूँ. तो I move कि मेरे को उनके लिए कुछ करना है. Want to become something. So that's why कभी भी mobile को देखकर मुझे लगता है कि नहीं, this is not my priority. हाँ, this is not your priority. My priority is कि मेरी ये priority, मेरे को इससे मतलब ही नहीं. Excellent point. ये क्यों हो रहा है? अगर इसको भी आप देखोगे तो वही है जो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि आपका जो डिजायर है वो अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का, या ये भी कह लो अपने लिए कुछ करने का. क्योंकि आपके माँ बाप कब खुश होंगे? जब आप कुछ कर जाओगे अपनी लाइफ में, है ना, आप कुछ अच्छा कर जाओगे तो वो खुश होंगे. तो आपका जो डिज़ायर है वो बहुत बड़ा है इस मोबाइल के डिज़ायर से, तो मोबाइल का डिज़ायर छोटा है. तो इसलिए आपको कुछ कंट्रोल नहीं करना पड़ रहा है, वो अपने आप ही कंट्रोल हो रहा है. मतलब अगर मेरा ड्रॉअर में पड़ा पूरे दिन मोबाइल, तो मैं रात को एक बार 5 मिनट स्क्रॉल करती हूँ, उसके बाद मैं रख देती हूँ. तो आपका एक एक्सेप्शनल केस हो गया. लेकिन इस एक्सेप्शनल केस से हम एक आइडिया ले सकते हैं, राइट? जो मासेस हैं वो आइडिया ले सकते हैं इस एक्सेप्शनल केस से. एक्सेप्शनल केस क्या है कि मोबाइल पड़ा भी हो तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट. ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आपके अंदर जो डिजायर है कुछ भी ढंग का करने का अपनी लाइफ में, कुछ करने का, वही जो मैंने अपने पावर ऑफ फोकस फॉर स्टूडेंट्स वाले सेशन में बोला था ना, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे मतलब जो करने का डिजायर है, कुछ भी ढंग का कंस्ट्रक्टिव करने का डिजायर है, वो इस डिस्ट्रक्टिव डिजायर से बहुत बड़ा है. दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव डिजायर. ये डिस्ट्रक्टिव नहीं है तो और क्या है? ये मोबाइल में आप 2 घंटे तक लगे हुए हो तो आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है, जो भी कुछ उसमें आप कर रहे हो आपके माइंड के लिए भी अच्छा नहीं है. आपको लगता है कि मैं इससे रिलैक्स हो रहा हूं जबकि आप टायर्ड हो रहे हो, या आप अपने आप को गलत एक्सक्यूजेस दे रहे हो. कुछ लोग बोलते हैं कि मोबाइल को यूज करके मैं 2 घंटे में रिलैक्स हो जाती हूँ. कैसे रिलैक्स हो जाओगे? आप पार्क में बाहर जा रहे हो, वॉक करके आ रहे हो, जॉगिंग करके आ रहे हो, फिर बोल रहे हो कि मैं रिलैक्स हो रही हूँ, तो समझ आता है, है ना? फ्रेश एयर आपने ली, वो तो अब दिल्ली में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं बाहर हो, आपने फ्रेश एयर ली और आप रिलैक्स हो गए तो समझ आता है. मोबाइल को मैं यूज़ कर रही हूँ, आँखें गड़ा करके बैठी हूँ, एक ही पोज में बैठी हूँ, बॉडी पूरी स्टिफ हुई पड़ी है, आड़ा टेढ़ा ऐसे करके काउच वाउच पीछे लगा के पड़ी हुई हूँ और मैं कह रही हूँ मैं रिलैक्स हो गई हूँ. हाउ इज दैट पॉसिबल जी? गोल सेटिंग बड़ी होनी चाहिए. और वो बड़ी गोल सेटिंग कब टिकेगी? जब जेन्युइनली अंदर से आ रहा होगा कि मुझे कुछ करना है. बाहर से मैंने बोला, कुछ देर के लिए चार्ज्ड अप हुए, एक्साइटेड हुए और अपनी गोल सेटिंग कर दी, कब तक टिकेगी वो गोल सेटिंग? ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली है. बट आपके खुद के अंदर से आ रहा है कि यार मुझे ढंग का कुछ करना है अपनी लाइफ में, ऐसे खच्चरों के जैसी जिंदगी नहीं जीनी है, है ना? ये कुछ स्ट्रांग वर्ड्स हैं जो आप अपने आप को बोल सकते हो. दुनिया में 90% लोग खच्चर हैं. उनके मुंह पे जाकर के मैं बोल दूंगा तो बुरा मान जाएंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. खच्चर को खच्चर बोलने में कैसी प्रॉब्लम? खच्चरों की लाइफ क्या है? कभी ध्यान से देखी है, एनालाइज करी है? नंबर 1, सेम रूटीन. नंबर 2, ऐसा काम कर रहे हैं जो करना उनको पसंद नहीं है. बोझा उठाना किस खच्चर को पसंद है? मतलब कि ऐसा काम कर रहे हैं जो करना उसको पसंद नहीं है, फिर भी कर रहे हैं. बॉन्डेज पसंद नहीं है, फिर भी बंधे हुए हैं. चलो खच्चर के केस में तो ये फिर भी किसी और ने बांधा है, यहां पर तो उन लोगों ने खुद को बांध रखा है. अब ये बातें अगर मैं किसी ऐसे आदमी से करूं जिसकी एज बहुत ज्यादा है, तो वो हो सकता है बुरा भी मान जाएगा. तो कहेगा क्यों मेरी सिचुएशन का मजाक उड़ा रहे हो यार,
लेकिन आप लोगों से मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों के आगे तो पूरी लाइफ पड़ी है। आप लोगों को मैं स्ट्रांगली बोल सकता हूँ कि आपको क्या चाहिए, खच्चरों के जैसी जिंदगी चाहिए या इंसानों के जैसी जिंदगी। इंसान ही एक ऐसा जानवर है, इंसान भी जानवर ही, जो अगर चाहे तो आजाद हो सकता है, जिसको दुनिया की कोई ताकत बांध नहीं सकती, अगर वो चाहे तो, वो डिसाइड कर ले तो, वो कह दे मैं तो नहीं बताऊंगा, मेरे को खच्चरों जैसी लाइफ नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए। खच्चरों की लाइफ यही है ना, कोई मैं गलत तो वर्ड यूज नहीं कर रहा, कोई बुरा तो नहीं लग रहा सुनने में, हाँ, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इस टाइप के स्ट्रांग वर्ड्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यही आपको इंस्पायर करेंगे। बिना रियलिटी को देखे आप कोई भी गोल सेटिंग करोगे, ज्यादा देर तक उस पर नहीं टिक पाओगे। मोबाइल एडिक्शन नहीं छूटेगा, कोई भी एडिक्शन नहीं छूटेगा। एडिक्शन का मतलब ही यही है, एक बुरी आदत का मतलब ही यही है, एडिक्शन मतलब बुरी आदत। अच्छी आदत को एडिक्शन नहीं कहेंगे। अच्छी आदत क्या है? पानी पीना, प्यास लगती है रोज़ाना पानी पीते हैं, उसको एडिक्शन कहेंगे? दैट इज नीड, है ना, दैट इज नॉट एन एडिक्शन। एडिक्शन मतलब वो आदत जो आपके लिए बुरी है। नीड मतलब क्या? वो आदत जो आपके लिए अच्छी है। YouTube तो वही है, उसमें दो तरह की वीडियोस हैं, एक वो है जो एडिक्टिव है, देखा मजा आया खत्म, बैक टू स्क्वायर वन, इसको बोलते हैं बैक टू स्क्वायर वन, जहां से शुरू किया था वहीं पे आ गए, ना ग्रोथ हुई, ना लाइफ में कुछ सीखा, ना कुछ बेटर हुआ, ना बाहर से आपने ग्रो किया, ना अंदर से ग्रो किया, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि और नीचे गिर गए, क्योंकि आप और एडिक्ट होते चले जा रहे हो। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, जो अच्छी आते हैं जो हमें इन एडिक्शन से बचा सकती है और हमको अंदर से ग्रो करा सकती है, उसको भी एडिक्शन बोल देते हैं। आप डेली स्कूल जाते हो, डेली कॉलेज जाते हो, उसको एडिक्शन कहोगे? नहीं। वो जरूरत है हमारी, दैट इज अ नीड। ऐसे YouTube पे दो तरह की वीडियोस हैं, एक है जो बुरी है, एक है जो अच्छी है। मैं अपनी वीडियोस को अच्छी बोल सकता हूँ, राइट? और मेरे जैसी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो अच्छी हैं, वो क्या करेंगी? आपको अंदर से इंस्पायर्ड करेगी कुछ करने के लिए। जैसे ही आप इंस्पायर्ड हो गए, तो सारी एडिक्शंस यानी कि बुरी आदतें छूट जाएंगी, अच्छी आदतें पढ़नी शुरू हो जाएंगी। जैसी अच्छी आदतें पढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ एक अलग डायरेक्शन में जाएगी, कुछ अच्छा होने लग जाएगा। देखो कितना सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें कंफ्यूजन क्या है? बट सर, ये सब कुछ तो सेल्फ कंट्रोल पे डिपेंड करता है ना। कोई भी एडिक्शन हो, वो अगर हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल है, हम तभी उसको ठीक कर पाएंगे। सेल्फ कंट्रोल कैसे होता है? बहुत बहुत डीप है, अगर मैं इसको टच करूं तो। हाँ बोलो। अगर हमने सोच लिया कि नहीं करना तो नहीं करना, जैसे हम सोचते हैं एग्जाम टाइम आता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार अगर हमें पास होना है तो हमें पढ़ना है, तो वो हम सोच के ही पढ़ रहे हैं। तो वैसे अगर हमने सोच लिया कि यार मोबाइल यूज़ नहीं करना, तो हमें मोबाइल यूज़ नहीं करना, या कोई भी अदर गैजेट जो हमें यूज़ नहीं करना तो नहीं करना, वो सिर्फ हमारे माइंड के अंदर है। देखो इसको ध्यान से समझना, अब मैं माइंड के थोड़ा सा स्ट्रक्चर में एंटर कर रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर हो कि अपने माइंड को कैसे संभालना है ना। अगर कोई भी आज नहीं भी आपकी लाइफ में कोई एडिक्शन, हो सकता है फ्यूचर में हो, तो कैसे संभालना होता है। माइंड हमारा दो ही चीज़ों के ऊपर काम करता है, एक है डिज़ायर, एक है फियर। एग्जाम टाइम में हम क्यों ये सब करते हैं? डर है। उस टाइम पे डिजायर इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि डिजायर बड़ा होता लाइफ में कुछ करने का तो आप पूरे साल पढ़ते। इसको ध्यान से समझना जो चीज मैं बोल रहा हूं। आप में फेल होने का डर है, इसलिए एग्जाम टाइम में आप मैसिव एक्शन ले रहे हो। किसी के अंदर कोई नौकरी करता है, उसके अंदर ये डर है कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, तो वो डर की वजह से काम कर रहा है, और उस काम में कोई गलती भी नहीं हो रही है, मतलब काम परफेक्शन से कर रहा है, लेकिन किस वजह से उसको काम में मजा नहीं आ रहा है, वो मोटिवेटेड नहीं है, वो डरा हुआ है। समझ रहे हो? मोटिवेशन में और डर में और इंस्पिरेशन में, इन तीनों के स्ट्रक्चर को अगर हम समझ गए तो मजा आ जाएगा, फिर आप खेल सकते हो, इन तीनों को यूज कर सकते हो। मोटिवेशन क्या है? वो हमेशा एक्सटर्नल होता है, किसी चीज का मोटिवेशन है। जैसे कोई सेल्स पर्सन है किसी कंपनी में, उसके लिए मोटिवेशन क्या है कि अगर तुमने इस टारगेट को अचीव किया तो इतना इंसेंटिव मिलेगा। हो सकता है उसको मजा नहीं आ रहा है उस काम में, उसको झूठ बोलना पड़ रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है झूठ बोलना, वो एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जो बिल्कुल बेकार है। उसके अंदर, हर एक के अंदर कहीं ना कहीं ऑनेस्टी होती है, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है वो काम करके। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर? मोटिवेशन। कोई डर नहीं है, ये टारगेट अचीव नहीं किया तो आपको नौकरी से नहीं निकालेंगे, लेकिन मोटिवेशन, इतना पैसा मिलेगा, इस पैसे से क्या होगा? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस, दूसरा घर, तीसरा घर और जमीन। समझ गए?
इसका मतलब क्या है? पावर, पोजीशन, ये सब क्या है? मोटिवेशन है बस। तो आप जो भी कुछ करते हो, या तो करते हो मोटिवेशन की वजह से, या करते हो डर की वजह से कि भाई अगर महीने में आप इतने दिन नहीं आए तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये क्या है? ये कोई मोटिवेशन है? डर है, डर है, है ना? एग्जाम टाइम में पढ़ाई नहीं करी तो फेल हो जाओगे, फेल हो गए तो बड़े जूते पड़ेंगे। ये क्या है? डर है। इस डर के बेस पे आप किसी से कोई भी काम करा सकते हो, किसी दूसरे से भी और खुद से भी। तो आपको हमेशा समझ आ रहा होगा कि कहां पर कौन आपसे बाहर किस तरह से आपको कंट्रोल कर रहा है, और आप चाहो तो इन्हीं फंडों से आप खुद को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये दोनों समझ आ गए? मोटिवेशन है ना, और डर। तीसरा क्या है? इंस्पिरेशन। अब ये इंस्पिरेशन क्या है? मुझे जिंदगी में कुछ करना है, ऐसे जिंदगी को काटना नहीं है। काटा तो मुझ में और जानवरों में फर्क क्या है? आया, खाया, पिया, बच्चे पैदा किए, मर गया, खत्म, यही है क्या लाइफ? नहीं नहीं, कुछ टंका करना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है। इंसान में और जानवर में सिर्फ इतना सा फर्क है कि इंसान चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकता है, और किस लेवल पे कर सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये इंस्पिरेशन है। दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल। ये अगर आपके अंदर आ गई तो कौन सी एडिक्शन आपके ऊपर हावी हो सकती है? कुछ भी नहीं। जो सोच पाओगे वो सब कर पाओगे, क्योंकि इंस्पिरेशन बहुत बड़ी है। तो ये अपने आप ही सारे काम आपसे करवाएगी। आपको होगा मेरे को एक ढंग की लाइफ जी करके जाना है इस दुनिया से, कुछ कंट्रीब्यूट करके जाना है, कुछ शेयर करके जाना है, सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह नहीं जीना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है किसी तरह से, चाहे किसी एक बच्चे की लाइफ मेरी वजह से आने की वजह से बेटर हो रही है, किसी एक छोटे से बच्चे ही बहुत है। ये इंस्पिरेशन है। ठीक है जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।